छड़ा सुरावारा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः ससिनिभा श्री शंकर पातु माम। ओम पार्थेश्वराय साम सदाशिवाय शिवपरिवाराय नमो। ध्यानम ध्यानार्थे बिलोपत्राणि मंदार पत्राणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए यहाँ से जलपात्र, उन लोगों को दे दीजिए, विनियोग कराइए। विनियोग प्राण प्रतिष्ठा विनियोग। ओम श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषि हरि गुरु स्वानं चंदांसि क्रियामय सौ प्राणाख्यादेव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। जल चढ़ा दीजिए शिव जी के, भगवान के मस्तक पे चढ़ाइए, चढ़ाइए मस्तक पे, बस छोड़ दीजिए, रखिए उसको नीचे आ जाइए। हाँ ठीक है, नीचे ही आना पड़ेगा। तीन आप बिलपत्र लीजिए, कुछ आप बिलपत्र लीजिए, कुछ दो चार बिलपत्र लीजिए, बगल में बिलपत्र है दीजिए। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रुवारुक्मिः वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रुवारुक्मिः वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रुवारुक्मिः वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिलपत्र दीजिए, दूसरा बिलपत्र हो गया, उसके आगे वाले भाग को पकड़िए दीजिए, मैं आपको बताऊँ। हाँ नहीं, उल्टा पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, समझ गए? नहीं इधर 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 पीछे वाला। हाँ ऐसे पकड़ जाए, ऐसे तीन उंगली से। हाँ ऐसे उसको ऐसे ऐसे करना है, मूर्ति को ऐसे ऐसे करना है, सलाना। चलिए ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र सिद्धो नमः सिरसि ओम ऋषि साम छो नम मुखे ओम प्राणाख्य देवताये नम हृदि ओम आंग विजयाय नम गुहे ओम ऋण शक्ति नम पादे वो ओम क्रौं कीर्तिकाय नम सर्वांगे। पूरा छोड़ दीजिए उसको, चढ़ा दीजिए उसको। कुछ चावल, सफ़ेद चावल और तीन बिलपत्र दीजिए। जयकांत जी आप श्रृंगी, दो तीन श्रृंगी जो भी है सब श्रृंगी की व्यवस्था किए रहें। चावल दीजिए, तीन बिलपत्र बाएं हाथ पे रखिए, दाहिना से रखिए, काला वाला भी श्रृंगी लाइए, सब धुलवा के। आप आचार्य विशाली थोड़ा सा हल्के हल्के स्वर बोलते हुए करेंगे, आचिक जब होना चाहिए। एक बिलपत्र और कुछ अक्षत शंकर जी पर छोड़िए, एक बिलपत्र कुछ अक्षत शंकर जी पे छोड़िए। ओम मांग रे क्रम ग्राम रंग लंग वंग संग 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 हंस सोम शिवस्य जीव इह स्थितः। एक बार और छोड़िए, ओम आंग रिंग क्रम यांग रंग लंग वंग संग 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 हंस सोम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांगम नस्त्वा चक्षु श्रव प्राग्ञाण जीव पाणि पाद पायवस्थानि यागत्य चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। छोड़ दीजिए पूरा छोड़ दीजिए। दाहिने हाथ में चावल लीजिए, आराम से घोड़े थोड़ा थोड़ा सब पे ऐसे गोल घुमाइए। ओम शुभम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांगम नस्त्वा चक्षु श्रोत्र ग्राण जीव पाणि पाद पायवस्थानि यागत्य सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। तीन बिलपत्र दीजिए, एक एक बार चढ़ाइएगा। ओम भूष ओम भू पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। ओम भूः पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। ओम स्व पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। छोड़ दीजिए, फिर से विनियोग दिलवाइए। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिर् अष्टुप छंदः श्री सदा शिवो देवता ओंकारो बीजं नमः शक्ति शिवाय इति कीलकं मम साम सदा शिव प्रत्यर्थम न्यासे पार्थिवलिंग पूजने जपे च विनियोग। शिवलिंग पे अर्पण करें, इनको एक बिलपत्र दीजिए। कल्पना जी आ गई, शंकर जी को आपको ऐसे ऐसे सलाना है, करना है।
गया, टाइट हो गया क्या? हो जाता है गर्मी वगैरह से, हो जाता है। चलिए बिना हो गया, आप जैसे मैं करूँगा वैसे करिएगा। वामदेव ऋषि नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसि नमः मुखे सदाशिव देवताय नमः हृदये ओम बीजाय नमः गुहवे ओम शक्त्यो नमः पादे ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे ओम नम तत्पुरुषाय नमः हृदये ओम मम अघोराय नमः पादयोः पैर का पैर का दाताय नमः गुहवे गुहिया का ओम वाम वामदेवाय नमः मूर्धनि मूर्धा का ओम कृष्णाय नमः मुखे हाथ धोइए। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः हाथ उसी पर हाथ हाथ हमेशा कटोरी में ही आचार्य जी धुलवाएं। ओम अंग अनुष्ठाभ्याम नमः ओम अंग तद्रेभ्याम नमः ओम अंग मध्यमाभ्याम नमः ओम सिंह नामिकाभ्याम नमः ओम अंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम अंग करतल पृष्ठाभ्याम नमः ओम हृदय नमः ओम अंग सरसे स्वाहा ओम शिखाय वष्ट सिंह क्वचाय हुम वांग नत्रत्राय वष्ट। ऐसे लिखिए, ऐसे करें तो आराम से करें, कोई घबराहट नहीं है, रात भर से होगा। ओम यंग अस्त्राय फट दो बार हाथ धोइए, बिलपत्र दीजिए, हाथ धोने वाले जल से हाथ धोने वाले कटोरी में ही हमेशा धोएंगे। चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमवरगणैरव्याघ्रकृत्तिं वसानं विस्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलवयरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सफेद पुष्प लीजिए, सफेद चावल भगवान के ऊपर ऐसे ऐसे छोड़िए। कश्चन प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतानि बिलोपत्राणि समर्पयामि। सब छोड़ दीजिए, पान का पत्ता अथवा बिलपत्र इत्यादि में संकल्प बनाइए। ये बिल्कुल आपके नाप का है ना, एकदम। चलिए जयकांत जी, पानी वाला नारियल कार्टून में होगा अथवा वो एक थैला है जिसमें पूजा का सामान है, हल्दी इत्यादि, काल सर्पयोग का सामान, काला कपड़ा इत्यादि, काल सर्प यंत्र इत्यादि आप दीजिए उसमें। काल सर्प यंत्र उनके हाथ में दीजिए। हाँ विशेष कुछ रखिए, 20-21-50 रुपये कुछ रखिए। उसी में रखिए, काल सर्प यंत्र भी रखिए जो आप अभी उसमें लगाए थे कहीं कहीं। हाँ और भी कौन सा यंत्र है? नवग्रह लोग नहीं, नवग्रह नहीं देना है। काल सर्प यंत्र होगा बाद में, अभिषेक के समय होगा। हो गया, हाँ रखिए उसी पे, नीचे रख लीजिए उसके ऊपर, इसको रख लीजिए। दोनों हाथ लगा लीजिए, कोई दिक्कत, दोनों हाथ लगाइए, दोनों हाथ लगा लीजिए, ये रखिए उसके ऊपर। बोलिए ओम विष्णु हूँ, विष्णु हूँ पूर्व उच्चारित ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतीथौ, अपना नाम रखिए, मम जन्म कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम प्रश्न कुंडल्याम गोचरे च अनंत नामक, बोलिए अनंत नामक काल सर्पयोग दोषादि निवारणार्थम शांत्यर्थम अद्य नागपंचमी वार्षिक पर्व अवसरे मम यथा यथा ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायां यथा राशि स्थितेश्वरे शेषेषु ग्रहेषु सत्सु एवं
यथा लग्न मुहूर्त योग करणान्वितम ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः मम राहु ग्रहजन्य शकलारिष्ट निवृत्त्यर्थम उत्पन्न उत्पश्यमान अखिलारिष्ट निवृत्तये दीर्घायुष्य सतत आरोग्य वाप्तये। अभ्यास लगाइए। धन धान्य सतत सांसारिक मानसिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम च धनम धान्यम पुत्र पौत्रादि अनवच्छिन्न शत संगति लाभार्थम शत्रु पराजय पूर्वकम बहुप्रत्यादि अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्त्यर्थम च सर्वाभिष्ट सिद्धे मम काल सर्प जनित दोषादि निवारणार्थम भवानी शंकर महारुद्र देवता प्रीते श्री साम सदाशिवोपरि अविच्छिन्न शुद्धवारिणा गंगोदकेन दुग्धमिश्रितजलेन गोदुग्धेन राहुग्रहस्य प्रसन्नार्थम एवं राहु केतु द्वारा मम जन्मकुंडल्याम अनंतनामक कालसर्पयोग निर्मितानाम कालसर्पदोष द्वारा समस्त दोष शांत्यर्थम सदा सर्वदा निवारणार्थम राहु केतु द्वारा उत्पन्न अखिलारिष्ट सर्वबाधादि शांत्यर्थम निवारणार्थम कालसर्प योग जनन रुद्राभिषेक नाग पंचमी नाग देवतायाः सान्निध्ये नाग पूजनम च महम करिष्ये एवं ब्राह्मण द्वारा नाग पूजनादि कारिष्ये। शंकर जी के ऊपर असारी फर्स आती है, उनको देखने दीजिए। उसको एक ही हाथ में ले लीजिए, बाएं में लीजिए, तो उसको संग बता रहे। इधर देखो, शंकर जी को चढ़ाइए, इस पर चढ़ाइए, हाँ चढ़ाइए ऊपर, ठीक। फूल को चढ़ाइए, जो नाग नागिन है उसको सर्प के ऊपर ऐसे तरफ करके अपने तरफ, उसका नाग नागिन प्रमुख आपकी तरफ हो। चांदी वाला देखिए जो आपकी लंबाई के अनुसार, उसको नीचे कर दीजिए, फूल को नीचे कर दीजिए। जो नाग नागिन का जो नाग है ना, उसी के मुख में उसको करके लगाइए अपने हाथ से। कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्या हो गया, बराबर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, रखिए, आपके तरफ होना चाहिए। हाँ लगाइए ना उसमें, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। हाँ उसको भी रखिए ऐसे ही, उसको ना हो तो ऊपर में डाल दीजिए यहाँ पे, इसमें जो पान आइए जी। हाँ करिए, क्या दिक्कत है, उसको करिए ऊपर। नमस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ए अंतरिक्षे दिवीतेभ्य सर्पेभ्यो नमः सर्पेभ्यो नमः। उसी में एक ही दूसरे में लगा दीजिए। नमस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ए अंतरिक्षे दिवीतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। काल सर्प यंत्र आचार्य जी वहीं पे स्थापित कराइए, शंकर जी से स्पर्श कराइए, बताएं हम शंकर जी से काल सर्प यंत्र स्थापित करिए, पैसा रखवा दीजिए वहां स्पर्श करा के, शंकर जी से स्पर्श कराएं। काल सर्प ये वाला नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा तब होगा, बड़ा है, बड़ा है। हाँ अक्षर दीजिए उनको सफेद वाला, फिर से शंकर जी की प्रतिष्ठा कराइए, नाग नागिन पर भी अच्छा छुड़वाइए। ओम मनोर्ज्योतिर्जुखदामाश्च बृहस्पतिर्जिज्ञमिमं तन्नोत्वरिष्ठञ्जिज्ञपुं समिमं ददातु विश्वेद्ये संयमादयन्तामों प्रतिष्ठ प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राणाचरन्तु च अस्ते देवतमर्चाये मामहेति च कश्चन। प्रतिष्ठापूर्वकम् आवाहनार्थ्यक्षतान् समर्पयामि। तीन बार जल। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः आसनार्थ्यक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री भगवते साम सदा शिव ओम भारतेश्वराय नमः पादयोपादयम् समर्पयामि। हस्तोरघ्रयम् समर्पयामि। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। वहां तक धार नहीं जाए। ओम देवस्त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर् बाहुभ्यं पवित्रेण सूर्य संजीवितस्य पवित्रपदे पवित्रभूतं नमोऽप्येतशकेयम् पवित्री धारणं स्वस्ति तिलकं यस्यांके नास्ति। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो एके च प्रतिमनुये अंतरिक्षे द्वितीयेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। पंचोपचारे हि पूजनं सुधोदकस्नानं गंगाजल गुलाबजल पंचामृत्यादि समस्त दीजिए। नमामि समीशान निर्बाढरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालमहाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारनतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डां प्रकृष्टां प्रगल्भां परेशां नागनाखण्डाम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपारे भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद मन्मतारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवाशम्। भस्म चढ़ गया जी, फूल हो गया, माला इत्यादि, बिलपत्र, समीपत्र, तुलसी दल, दुर्वा मदार पत्र। नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यां जरा जन्मदुःखौ गता तप्यमानम् प्रभो पाहि यापान् नमामि शशम्भो प्रभो पाहि यापान् नमामि शशम्भो प्रभो पाहि यापान्
नमामि शशंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति गुलाब जल गंगा जल चाहिए ना पूरा प्रकार नहीं चला रहे हैं चाहिए शंकर जी को जल ही तो प्रिय है और आज नाग नाग पंचमी है पूरा पूरा भाई घटेगा तो आएगा फिर प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानन्दभाजाम भवद्भव्यभूतेश्वर भूतनाथम भवद्भव्यभूतेश्वर भूतनाथम शिवां शंकरां शंभुमि शानमि दे हो गया सब चलिए हो गया चले आरती आरती हाँ वही वही अगरबत्ती इत्यादि जो भी अगरबत्ती अगरबत्ती जलाओ सर जी पूजा रूम में चला गया दूसरा जला दीजिए लेके आइए उसी उसी को लेके आओ अगरबत्ती का 100 पैकेट निकाल के लाइए हाँ दिखाइए जो है सो दिखाइए जलाइए इसको जला के लाइए लाइए उसी को जला दी उसको रख लीजिए वहाँ जलाने के लिए गले रुंडमालम तनु सर्पजालम महाकालकालम गणेशादिपालम जटाजूटभंगो तरम वीरविशालम शिवं शंकरं शंभुमीशानमीड प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं आचार्य जी सब जूस वगैरह से इकट्ठा हो गया ना अभिषेक अभी नहीं करेंगे करके वहाँ पहले वो है ना सब कुछ मांगो ना उनसे सब हस्तक प्रक्षालन ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः ठीक है जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवा हो गया नैवेद्यम भोग लगवाए भोग एक कटोरी में आप रखे थे उसमें देखिए उसमें भोग वही है ना वो तो अंदर से फूल वगैरह मंगा लीजिए पता नहीं क्या हम ही जाते भोग लगाते हैं नहीं वो जो आप कह रहे थे नहीं नहीं वो नहीं लगेगा आरती के बाद वो नहीं है लग गया ये छोड़ दे
हाँ हाँ यही यही रखो ना सब, थोड़ा सा आप लोग साइड में थोड़ा सा जगह दे दिया जाए रास्ते में। इसका जो बक्सा कहाँ है सब कुछ उसी में है, बोलेगा जो देखना गिरे नहीं ना वो। लक्ष्य बेटा लक्ष्य देखिए पीछे सब सब सामान रखवा रहे हैं नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते पंच आत्मनियम जलम पूरयेत। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानी मूत्रापोष्ण मुख प्रक्षालनार्थे हस्तक प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, फलान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि, मुखवासार्थे एवालंगम पुंगी फलस्य तांबूलम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम। ओम जद्दत्संजतपारादानञ्जतपूर्तञ्जासदक्षिणाहासदनिर्वैश्वकर्मण यदि इसका है ना उस दिन जो अभिषेक होगा उसमें साउंड रख लीजिए, अच्छा लगेगा। तीन चार माइक बढ़िया वाला वो नहीं कि गला खींचे, मिक्सर वगैरह के साथ बृहस्पतिवार को ही सेटअप करवा दीजिएगा, बृहस्पतिवार को सेटअप करवा दीजिएगा। अभिषेक में माइक अच्छा लगेगा, बाहर जो होगा वो जो अभिषेक होगा वो भव्य जो होगा माइक लगवा दीजिए, ठीक रहेगा, सुंदर रहेगा। चलिए क्या हो गया सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं क्या हुआ, भूख लग गया, दक्षिणा तक हो गया, दक्षिणा तक हो गया, कर्पूरा आरती के दीपम तब ना पुष्पांजलि, दक्षिणांत डायरेक्ट पुष्पांजलि। ये लोग बोले छान दिए हैं और करे कि मतलब वो संतुष्ट नहीं है कि हाँ छाना गया। और क्या चार बार छानी क्या दिक्कत है? लक्ष्य जी नहीं दक्षे 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 जी दक्षे जी की पूजा कर रहे हैं। नाम उसका दक्षे की है, दक्ष प्रजापति। आप सुनिए दक्षिण का अर्थ क्या है, हमको तो नहीं मालूम सर। दक्ष में इत संज्ञा लगा दीजिए। द अक्षर बहुत अच्छा भी होता है। प्रदीप भाषा सहसागते नीराजनम ते पुरुषा सपूर्वी। आरती इत्यादि किसमें पंखा बंद नहीं कर रहे सच में, टोपी बड़ा अच्छा मिल गया श्याम भाई से ही बताया, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए आप बहुत सुंदर लग रहा है। कलर क्या आपने पसंद किया? बात हमको तो वो वाला पसंद था लेकिन आपने जानते हो फोन भी कब आया, मैं जो जयपुर स्टेशन पे हमको मैं बिल्कुल ट्रेन पकड़ने की स्थिति में और तब फोन आ रहा है। करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रखवाइए अब जलेन शीतलीकरणं प्रदक्षिणां तत् तदुपरान्ते पुष्पाञ्जलिं। जलेन शीतलीकरणं जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाबन्धनं सां सदाशिवाबन्धनं आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं तथा आरतिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम श्री भगवते पार्थेश्वराय सां सदाशिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकमंत कोटि नमस्कारान् निवेदयामि। जो जो सामान है ना विशाल आपको लग रहा है कि उसको छलवाना होगा, फल इत्यादि को छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या होगा उसमें गंगाजल मिला देंगे ना, क्या है
उसको रखिए। रुद्राभिषेक की पूरी तैयारी आपकी है, बस समझ रहे हो। चलिए ओम वागर्थाव्यो संप्रतो वागर्था प्रजापते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम पार्थेश्वराय सां सदाशिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम् अनंत कोटि नमस्कारान् निवेदयामि। एक बार जल चढ़ाइए। ओम अनेन कृतेन पूजनेन पूजिताः सां सदाशिवः प्रियन्तां नमः। पूजिता तर्पिता सन्तु क्षमध्वं क्षमध्वं त्राहि मां शरणागतम्। प्रणाम करिए। अनेन कृतेन पूजनेन यथाशक्ति सारुक्ति अनुसारेण ओम महादेव पार्थेश्वर शिव अर्चनम पूजनम प्रियंताम नमः प्रियंताम नमः। अर्पण करिए, प्रणाम करिए। आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। 6 बज रहा है, 6:30 बजे प्रणाम। श्री राधे।